ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम कल का जो श्लोक है, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहैतुकी त्वयि। कल हमने इस श्लोक की चर्चा की और हमने ये देखा कि किस तरह से जो व्यक्ति जो भक्त भगवान के नाम में रुचि प्राप्त करता है या भगवान का नाम लेने के लिए माला बढ़ाने का प्रयास करता है तो उसके लक्षण बताए गए थे। तो आज हम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का उसी संदर्भ में भजन, उस श्लोक के संदर्भ में जो भजन लिखे है उसको पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इस तरह से लिखते हैं इस श्लोक के संदर्भ में भजन। प्रभु तव पदे युगे मोर निवेदन, नाही मागी देह सुख विद्या धन जन। तो कह रहे हैं आपके प्रति एक निवेदन है मेरा, भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, हे प्रभु आपके प्रति एक निवेदन है मेरा कि मैं देह सुख की कामना नहीं करता हूं, धन की कामना नहीं करता हूं, ना जन, जन मतलब अनुयायी, मतलब बहुत सारे मेरे जन हो, मेरी सुने, इस तरह की भी कामना मैं नहीं करता हूं। क्या कारण है इसका? क्योंकि देह सुख से, जब देह सुख प्राप्त होता है, हम देखते हैं देह सुख का अर्थ सिर्फ गाड़ी में घूमना या बहुत ऐश्वर्य प्राप्त होना ऐसा नहीं, इवन मैथुनादि में भी देह सुख गिना जाता है। तो ऐसे सुख के समय हम भगवान का स्मरण नहीं कर सकते और देह सुख जो है इस भौतिक जगत में संभव है ही नहीं, हम सुखी नहीं रह सकते इस भौतिक जगत में, क्योंकि ये भौतिक सुख जो है दुखालयम अशाश्वतम है, नित्य दुख देने वाला ये भौतिक जगत है। और सुख की कामना करना और भगवान सुख देते भी है तो भवबंधन में फंस जाता है, इस सुख का अनुभव कर भौतिक जगत में फंस जाता है और दुख का अनुभव करता है। इसीलिए देह सुख की कामना इस भौतिक जगत में हम नहीं कर सकते। तो आगे कहते हैं नाही मांगी स्वर्ग और आर मोक्ष नाही मांगी, ना करी ना कोरी प्रार्थना कोई विभूतिर लागी। तो न धनम न जन्म, यहाँ पे जन्म का अर्थ है स्वर्ग लोक में जन्म लेना या स्वर्ग लोक में निवास करना। तो स्वर्ग लोक में ऑब्वियसली निवास करने से हम भगवान को तो निश्चित रूप से भूल जाते हैं, क्योंकि वहां पे अत्यंत सुख का अनुभव करना पड़ता है या अत्यंत सुख भोगना पड़ता है। तो सुख भोगते समय हमें समय भगवान का नाम लेने के लिए या भगवान का स्मरण करने के लिए समय होता भी नहीं, हाँ स्वर्ग लोक में भी नहीं और नरक लोक में भी नहीं, क्योंकि स्वर्ग लोक में तुम्हें जबरदस्ती सुख दिया जाता है और ऐसे सुख में हम भगवान का स्मरण नहीं कर सकते, और नरक में तो अत्यंत दुख होता है, वो दुख के यातना के कारण भी हम भगवान का स्मरण नहीं कर सकते।
इसलिए जो भी हम स्मरण कर सकते हैं इस पृथ्वी पर ही, यहीं पे हम भगवान का नाम का उच्चारण और सुख का अनुभव कर सकते हैं, या सुख मतलब भगवान के नाम का और भक्तों के संग का जो है तो यहीं पे प्राप्त हो सकता है। सॉरी, सुख सुख का नहीं, इस भौतिक जगत में तो सुख है ही नहीं है। तो भक्तों का संग आध्यात्मिक जग मतलब सॉरी स्वर्ग लोक में भक्तों का संग की प्राप्ति नहीं होगी, वहां पे पॉसिबल नहीं है, और ना ही नरक में। तो कैसे हम भगवान के नाम के उच्चारण में रुचि उत्पन्न कर पाएंगे, वो संभव नहीं है। इसीलिए जब तक इस भौतिक जगत में है या इस पृथ्वी पर है, और भक्तों का संग ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कीजिए और ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का उच्चारण कीजिए। श्री भक्तिवेनु ठाकुर इस तरह से कह रहे हैं। और ना ही कोई योग शक्ति प्राप्त करने की कामना करता हूं ऐसा। सो निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाई, जन्मे जन्मे जेनो तब नाम गुण गाई। तो मेरे निज कर्म गुण दोषे, कुछ जन्मों में मेरे गुणों में दोष रहा है, कई प्रकार के पाप कृत्य मैंने किए होंगे कुछ पूर्व जन्मों में, जिसके कारण मुझे इस जन्म में इसका अनुभव, इसका फल प्राप्त हो रहा है। तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं वो कर लूंगा, क्योंकि कुछ गुण दोषों के कारण मुझे इस जन्म में उसका फल मिल रहा है, तो ये मिलने दो। लेकिन इतनी प्रार्थना है कि मैं जन्म जन्मांतर, भले कोई भी जन्म क्यों ना मिले, मैं आपको ना भूलूं, आपके चरणों को ना भूलूं, आपके नाम का स्मरण करता रहूं नित्य। इस तरह से तब नाम गुण गाई, भले कोई भी जन्म क्यों ना मिले, मैं आपके नाम का गुणगान गाऊं। ब्रह्मा का जन्म मिलने पर हम बहुत व्यस्त हो जाते हैं मैनेजमेंट में, आप समझ रहे हैं। लेकिन भक्तिवनो ठाकुर कहते हैं कीड़े का अगर जन्म मिलता है घर में, भक्तों का उच्चिष्ट अन्न खाऊं, उच्चिष्ट अन्न खाकर उनका झूठा खाकर अगर मेरे भक्ति में बड़ा होता है, बढ़ता है, वृद्धि होती है, तो ये कीड़े का जन्म मैं स्वीकार करूंगा। लेकिन ब्रह्मा का जन्म भी मैं स्वीकार करने की मैं कामना नहीं करता हूं, क्योंकि वहां पे टोटली फुल्ली मैनेजमेंट में व्यस्त होना पड़ता है, इस भौतिक जगत के मैनेजमेंट में व्यस्त रहना पड़ता है। इसलिए कीड़े का जन्म भी स्वीकार है। यही मात्र आशा मम तुम्हारा चरणे अहैतु की भक्ति हृदय जागे अनुक्षणे। मेरा मन आपके प्रति अहैतु की भक्ति सदैव जागृत रहे, ऐसी मेरी तुम्हारे चरणों में निवेदन है। विषय जे प्रति जे प्रीति एबे आछे अमार, सही मत प्रीति हौक चरणे तुम्हार। जिस तरह से मैं भौतिक इच्छाओं की, कामनाओं की, मतलब भोग करने की इच्छा करता हूं, या इस भौतिक जगत में कामना की इच्छा करता हूं, या भौतिक सुख प्राप्त करने की कामना करता हूं, उसी तरह मैं आपके चरण के दर्शन या पवित्र, आपके पवित्र चरणों का संग या शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त करने की कामना सदैव मेरे मन में रहे, ऐसा। इस तरह से प्रार्थना श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कर रहे हैं। विपदे संपदे ताहा ठाकुर का समभावे, दिने दिने वृद्धि हवुक नामेर प्रभावे। विपदे संपदे मतलब सुख और दुख, सुख और दुख में भी भगवान के प्रति प्रीति जो है समभाव रहे, समभाव, क्योंकि दुख में हम भगवान को कोसते हैं और सुख में अपने आप को बहुत
कुशल समझते हैं कि ये मेरे कार्य के कारण ये मुझे सुख प्राप्त हुआ। लेकिन जब दुख प्राप्त होता है तो हम भगवान को कोसते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, भगवान के प्रीति के प्रति सुख और दुख में समभाव रहे, बदलाव ना आए। तो कभी कभी सुख भगवान देते हैं तो बहुत हम क्या करते हैं, भगवान के प्रति आदर व्यक्त करते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो भगवान को कोसने लगते हैं। ऐसी भी भावना कुछ भक्तों में होती है। तो ये समभाव रहे ऐसा कहा जा रहा है। पशु पक्षी होए थाकि स्वर्गे वा निरोय, तव भक्ति राहु भक्ति विनोद हृदय। तो यहां श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, चाहे मुझे जन्म स्वर्ग में मिले या नरक में मिले। देखो अभी क्या कह रहे हैं, अभी कह रहे थे कि स्वर्ग की कामना नहीं, नरक की कामना, मतलब नरक की कामना ऐसा नहीं कहा, स्वर्ग की कामना नहीं, वहां पे मैं भूल सकता हूं आपकी भक्ति को। लेकिन यहां तात्पर्य यह है कि क्षमा चाहता हूं प्रभु, आपकी जहां इच्छा है वहां पे मुझे जन्म दे, भले वो स्वर्ग में हो या नरक में हो, या पशु पक्षी का भी जन्म क्यों ना मिले। लेकिन क्या है, तव प्रति भक्ति रहू, आपके प्रति मेरी भक्ति निष्ठा पूर्वक रहे। भक्ति विनोद हृदय, मेरे हृदय में निष्ठा पूर्वक भक्ति रहे। ऐसी तो मैं सोच रहा था ये श्लोक पढ़ते समय, सचमुच पशु का भी अगर योनि मिलना है तो हमारे पदयात्रा के जो बैल है ना ऐसी योनि मिलना तो ब्रह्मा से भी कहीं अधिक गुना अच्छा है। ब्रह्मा के जन्म या स्वर्ग लोक में जन्म से भी कहीं गुना अधिक दिव्य है, अच्छा है। पदयात्रा के बैल, पदयात्रा के बैल भगवान को लेकर कितने बार पूरी भारत तीर्थ, मतलब भारत में जितने भी तीर्थ है, जगन्नाथपुरी कहो, भद्रिकाश्रम कहो, या द्वारका कहो, डाकोर कहो, या फिर मायापुर कहो, इतने सारे तीर्थों में भगवान को लेकर ये बैल जाते हैं। निश्चित रूप से उनका तो लास्ट जन्म ही होगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इस देह को त्यागने के उपरांत जो है वो भगवत धाम ही लौटेंगे, और धाम भी ऐसे वैसे धाम नहीं, वैकुंठ धाम नहीं, सीधा गोलोक धाम, क्योंकि वो गौर निताय को लेके चल रहे हैं। समझे? तो कल नहीं, जब मतलब सानंद में मैं जब भक्तों के संग में रह रहा था, वहां पे आचार्य प्रभु बता रहे थे कि एक बैल है जिसको एक ही सिंह है। वहां पे एक बैल है, अभी आप अगर मंदिर आके दर्शन लोगे तो आपको पता चलेगा, एक बैल को एक ही सिंह है, दूसरे सिंह को कैंसर हुआ था इसलिए उसे काट दिया गया। तो जो एक सिंह वाले बैल है वो कह रहे थे आचार्य प्रभु, इसमें देवता के गुण है, इस जानवर में भी देवता के गुण है। तो बोला कैसे, आपको क्या मतलब, क्या ऐसा अनुभव करवाया जिसके कारण आपको ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर देवता के गुण है। तो कहता है, आप उस बैल के साथ कितना भी आलिंगन करो, कुछ भी करो, वो बहुत प्रेम से उसको स्वीकारता है, चाटने लगता है। और दूसरा, दूसरे बैल जब तक नहीं खाते, ये बैल नहीं खाता। पदयात्रा के साथ 10-12 बैल है, दूसरे बैल को जब तक चारा नहीं डालते हैं तो इसके सामने चारा डालने पर भी वो नहीं खाता, वो देखता है कि दूसरे बैल खा रहे हैं कि नहीं, तभी वो खाता है। अब जानवर में अगर ऐसे गुण है तो हम मनुष्य में क्यों नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हैं, इसे एक्चुअली भक्ति कहा गया है। तो अगर पशु बनना भी है तो ऐसा पशु बनना स्वीकार लेना चाहिए, क्योंकि कितने स्वर्ग लोक से भी कहीं गुना ज्यादा आध्यात्मिक सुख है, आध्यात्मिक भाव है इसमें।
भगवान के प्रति प्रेम है। कितना चलते हैं ये बैल, 24 आवर्स भगवान की सेवा में रहते हैं। तो यहां भक्ति विनोद ठाकुर के पशु पक्षी कोई भी अगर जन्म मिलता है स्वर्ग नर्क तो चलेगा, लेकिन आपके प्रति भक्ति जो है वो कम ना हो, दिन भर दिन बढ़ता रहे, ऐसी विनम्र प्रार्थना है। ऐसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं। तो यहाँ पे उनका उद्देश्य यह है कहने का, भक्ति विनोद ठाकुर का, आप देखिए जब आप सबको बच्चे होंगे घर में, है ना, हम सभी के पास बच्चे तो होंगे 3-4 साल के, या बड़े भी हुए होंगे, कभी माँ बाप से उन्होंने ये कहा है, हे माँ मुझे कल खाना मिलेगा क्या, ऐसे कहा है कभी? कोई बच्चा कहता है आपको? नहीं कहता है ना। क्यों नहीं कहता है? क्योंकि उसे विश्वास है मेरे माता पिता मुझे कल खाना देंगे, परसों खाना देंगे। तो क्या भगवान को हमें मांगने की जरूरत है? भगवान हमारे माता पिता है, तो हमें खाना नहीं मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। जब भगवान गर्भ में शिशु को खाना दे सकते हैं, एक बच्चे को गर्भ के अंदर भी खाना दे सकते हैं, और बच्चा जन्म होने से पहले स्तनों में दूध आना शुरू हो जाता है, तो इस पर से हमें पता चलना चाहिए कि भगवान कितना हम सबका ख्याल रखते हैं। साधारण जीव का ख्याल रख सकते हैं तो भक्तों का रखते नहीं है। तो भगवान के पास हमें इस तरह से छोटे छोटे चीज नहीं मांगनी चाहिए, कहने का तात्पर्य भक्ति विनोद ठाकुर ये कहना चाहते हैं इस भजन से। अगर सपोज किसी इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने आपको ब्लैंक चेक दिया है, कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है और आपका मित्र है, आपको ब्लैंक चेक दे दिया, तो आप उस चेक में अगर अमाउंट 1,000 रुपये 2,000 रुपये का डालोगे तो क्या होगा? हमारी बुद्धि कितना कंजूस है, ऐसा लगता है कि नहीं? हाँ, डर के मारे ये मुझे अगर सपोज मैं 10 लाख का इसके अंदर अमाउंट भर दूं, ब्लैंक चेक दिया है 10 लाख का अमाउंट भर दूं, तो हम डर जाते हैं ये मिलेगा क्या नहीं बोल के, और छोटा अमाउंट कंजूस के कारण भर देते हैं। इसी तरह से हम भगवान के पास जाकर छोटी छोटी चीजें मांगते हैं। अरे भाई ब्लैंक चेक मिला है तो बड़ा अमाउंट भर दो ना। हम भगवान की सेवा कर रहे हैं और भगवान चाहते हैं कि हम अच्छी तरह से, तो ये छोटी छोटी चीज मांगकर भगवान के प्रति इस तरह से अविश्वास जो है ये जगाना नहीं चाहिए या ये जताना नहीं चाहिए। तो भगवान के प्रति अटूट विश्वास हमें होनी चाहिए, भगवान हमारा ख्याल रखते हैं और सारी चीजें जरूरतें हमें पूरी करते हैं, इसके लिए मांगने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से बच्चे की सारी जरूरतें माता पिता पूर्ति करते हैं, आप समझ रहे हैं? तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, ये मांगना सरासर भगवान का इंसल्ट है, क्योंकि वो बड़ी चीज दे सकते हैं तो छोटी चीज मांगने में क्या फायदा है, ऐसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का कहना है। तो भक्ति सबसे बड़ी चीज है, भक्ति से हमें भगवान का प्रेम प्राप्त होता है, और प्रेम प्राप्त होता है तो सब कुछ प्राप्त होने लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ये कहना चाहते हैं, सो भगवान के प्रति डाउट ना जगाए कि वह हमारा पालन पोषण करेंगे या नहीं करेंगे भक्ति करने के बाद, इसलिए ऐसी डाउट रहना ठीक नहीं है। ओके, सब कुछ भगवान देंगे लेकिन प्रेम नहीं देंगे, ये ध्यान में रखिए।
सब कुछ भौतिक जगत में जो जो चीज जरूरी है सब कुछ देंगे भगवान, थोड़ी भक्ति करने से भी। लेकिन प्रेम बहुत भगवान छिपा कर रखते हैं, प्रेम उसी को देते हैं जो सचमुच प्रेम करने के लायक है। तो प्रेम की मांग करनी चाहिए, प्रेम का भीख मांगना चाहिए उनके चरणों में। बाकी अन्य चीजें जो है वो छोटी छोटी है चीजें, वो ऑटोमेटिकली प्राप्त होता है। ओके, हरे कृष्णा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।